तिवारी जी अथर्व को देखा? अथर्व बाबा तो अभी गार्डन की तरफ भाग कर गए रहे, उनका पीछे पीछे और बच्चा लोग भी भाग कर जा रहा था। राजू कितना नसीब वाला है तू कि तू अथर्व का बाप है। वाह वाह वाह, अरे क्या बेटा पाया तूने और क्या पोता पाया मैंने। कितना होशियार है, कितना समझदार है। पता है वो हर्षद का बेटा है ना, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। हाँ हाँ विद्युत विद्युत। उसका 50,000 रुपए का मोबाइल वहाँ गार्डन में गुम हो गया है। पता है अथर्व सब बच्चों को लेके ना वहाँ पे ढूंढ रहा है मोबाइल। आप भी ढूंढ रहे थे? हाँ, उसने ना बड़ी वाली टॉर्च मंगाई है ताकि रात के अंधेरे में ना वो तलाश जारी रखे। मंगल ग्रह पे पानी की खोज नहीं करनी है, जो तलाश जारी रखनी है। राजू तू वो मत देख, ये देख कि कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं। अरे तेरा बेटा लीडर है, लीडर। लोमड़ी है लोमड़ी। I am 200% sure कि ये जो मोबाइल है ना वो अथर्व ने छुपाया है और एंड में खुद ही ऐसे ढूंढ कर निकाल लाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ताकि वो जो है वो हेल्पफुल लगे, जैसे मेरे मम्मी को लग रहा है, और स्कूल में जो कांड किया ना उसने, वो इस हेल्प के पीछे छुप जाए। क्या आप लोग नहीं जानते अथर्व? क्या करूं इसका? क्यों छुपाया तूने विद्युत का मोबाइल? मम्मा ताकि ये वो मोबाइल खुद ढूंढ कर विद्युत को वापस दे सके और फिर हम महान गुणवान श्री श्री 108 अथर्व वागले महाराज जी की आरती उतार सके, है ना? तुम कब बाज आएगा अपनी शरारतों से अथर्व? बंधु पापा के हाथ से दो बार कब गिरते गिरते बचा है, सो प्लीज अथर्व अपनी टीचर को बर्थडे गिफ्ट में कोई मेंढक देता है। अच्छा तू मेंढक लाया कहां से? अभी तो मेंढक का सीजन भी नहीं है। मेंढक था, कोई मैंगो नहीं था। मेंढक का कोई सीजन होता है क्या? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे राधिका इस बार मार्केट जाओगी ना तो चिपकली नहीं लाना। वो क्या चिपकली का सीजन नहीं है, अच्छे वाले मेंढक दिखे ना तो लेकर आना। रत्नागिरी या देवगढ़ के हो तो एक डजन लेकर सॉरी। आज हंसो मत, बढ़ावा मिलता है इसको। तू क्यों हंस रहा है इनके साथ? तू सॉरी सॉरी पापा सॉरी। बोलना क्यों दिया ऐसा वाहियात गिफ्ट? वो मम्मी टीचर से मैंने पूछा था कि मैं आपको बर्थडे पे गिफ्ट दूं, तो टीचर ने कहा सो स्वीट लेकिन गिफ्ट पे पैसे मत खर्च करना, तो इसलिए मैं स्कूल के पीछे वाले टंकी से मेंढक ले आया। पापा कप मत उठाना हा? कोई मेंढक देता है क्या गिफ्ट में इडियट? लुक पपी और किटन दे जाए, मैं मेंढक क्यों नहीं दे सकता? जानवरों के बीच में पार्शियलिटी क्यों? दिस इज रेसिज्म। हाँ बोलो बोलो बोलो, ही हैज अ पॉइंट, बोलो ना। मम्मी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा कि आपके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आएगी। प्रॉमिस। सखी दीदी कुछ तो सजेस्ट करो ना कि मैं मम्मी को कौन सा गिफ्ट दूँ जिससे उनकी फेस पे एक स्माइल आ जाए। सिंपल, अजगर। अजगर दो। अजगर एज इन पाइथन? हाँ, मेरी 6 बेडरूम में रहने वाली मालती मामी है ना, उनका एनिमल्स बहुत पसंद है, तो मेरे मामा ने उनको अजगर ला के दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। टीचर को मेंढक दिया तो उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और तू उसे अजगर देने का प्लान बता रहा है? तो लंदन लेके जाओ, बर्किंगम पैलेस के सामने 4 लाख का लहंगा पहन के फोटो खिंचवाएंगी। बर्किंगम पैलेस के सामने लहंगा पहन के कौन फोटो खिंचवाता है? माय मॉम। सिर्फ तेरी मॉम खिंचवा सकती है, मेरी मॉम में तेरी मॉम जितनी डेयरिंग नहीं है। अथर्व तू ना ऐसा कुछ दे जो मम्मी के पास ना हो और मम्मी उसकी वैल्यू भी करे। ऐसा क्या हो सकता है? अच्छा सखी दीदी फाइंड आउट करने में मुझे हेल्प करो ना प्लीज। ऑफ कोर्स। आइडिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।